नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट एडमिटेड विद प्री एक्लेम्सिया इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, पहली बात तो क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, और फिर दूसरा क्या है, उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। विच असेसमेंट इंडिकेट्स दैट ए थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ द मेडिकेशन हैज बीन रीच्ड। तो इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम सल्फेट बताऊंगा आपको अच्छी तरह से, और अगला कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो वहां पर मैं आपको प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया करवाऊंगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ करवाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मुझे काफी सारी नॉलेज आपको देनी है इस क्वेश्चन में। मैग्नीशियम सल्फेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इससे हो जाएंगे आपके सोल्व, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आएगा। एमजीएसओपुर ध्यान रखना, पहली बात सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सेंट्रल एक्टिंग क्या है, ये ड्रग है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। कैसे काम करती है, उनकी वेसल्स को क्या कर देती है, ये डायलेट करती है। कैसे करती है, डायलेट करती है, वेसल्स को कर देती है डायलेट, जिससे ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सेरिब्रल जो एनोक्सिया है ना, उसके कारण से, अगर सेरिब्रल एनोक्सिया के कारण से क्या आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात देखो, कंसेप्ट समझो, एंटी कन्वल्जिव ड्रग है ये, कन्वल्जन में काम करती है, एंटी कन्वल्जिव। अब वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी अलग है, कन्वल्जन अलग है, ध्यान रखना एंटी एपिलेप्टिक। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अगर किसी को एपिलेप्सी है और अगर आप उसको दोगे एमजीएसएफओर काम नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ एंटी कन्वल्जिव ड्रग है। दूसरी बात दोस्तों, ये एक प्रिवेंटिव ड्रग भी है और थेराप्यूटिक ड्रग भी है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्लाइंट को प्री एक्लेम्सिया है तो भी देंगे हम, प्रिवेंशन करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्री एक्लेम्सिया के बाद क्या होता है, एक्लेम्सिया होता है, और एक्लेम्सिया के अंदर क्या आएंगे, कन्वल्जन आएंगे, तो हम प्रिवेंशन में भी देंगे ये। दूसरी बात, अगर मान लो हो गया ना एक्लेम्सिया और उसके कारण कन्वल्जन आ रहे हैं तो भी हम देंगे, ठीक है, उसको ट्रीट भी करेगा ये। तो ये ट्रीट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है, दोनों काम करता है ये। ठीक है, कौन सी ड्रग, MgSO4 ड्रग, मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा, आप एक हो स्टाफ नर्स, ठीक है, चलो आपको नाम चेंज हो गया ना, नर्सिंग ऑफिसर लिख देता हूं, नर्सिंग ऑफिसर, यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर, आपको MgSO4 जाके देना है, आपको किसी डॉक्टर ने क्या कर दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया, जाओ इसको MgSO4 दो, डॉक्टर ने कह दिया कि MgSO4 दो दोस्तों, तो आप गए, ऐसे नहीं है डायरेक्ट लगा दिया MgSO4 जाके, लगा दिया, लो लगा दिया सर, उसने कहा लगा दिया, हाँ कुछ चेक किया, नहीं क्या चेक करना, आपने कहा मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं है। MgSO4 ड्रग हमेशा देने से पहले तीन चीजें चेक करते हैं। पहली चीज, अगर MgSO4 देख रहे हैं तो हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो है अगर 12 या उससे कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो ड्रग हम नहीं देंगे। ठीक है, हमने चेक किया उसकी रेस्पिरेटरी रेट, अगर 12 है उससे कम आ रही है तो हम वो ड्रग नहीं देंगे। सेकंड चीज, सेकंड हम नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करेंगे उसका, नी जर्क रिफ्लेक्स, या फिर इसको बोलते हैं हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और कुछ बुक्स में दोस्तों ये पटेलर रिफ्लेक्स भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आए अगर आपने पढ़ा है टीएनसी से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नी जर्क रिफ्लेक्स लिखा है या डीप टेंडन रिफ्लेक्स लिखा है या पटेलर रिफ्लेक्स है, ये प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है। इसका लेवल कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, +2 इज नॉर्मल। ठीक है, अगर +2 तक आ रहा है नॉर्मल है, +3 +4 आ रहा है एबनॉर्मल है। क्या हो रहा है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब यहां पर यह है कि इस ड्रग की क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है, मतलब कि पहले से ही बॉडी के अंदर जो MgSO4 है वो ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है। अगर आप आपने और MgSO4 दे दिया तो फिर मरीज गया काम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई, इसका मतलब भी यही है कि MgSO4 की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है, मतलब कि उसके ब्लड के अंदर थेरेप्यूटिक लेवल से ज्यादा अगर लेवल पहुंच गया है MgSO4 का, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, थेरेप्यूटिक लेवल होता है उसका, जो ब्लड है उसके अंदर हमेशा 4 से 7 होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम हर बार MgSO4 देंगे और हम हर बार टेस्ट करवाएंगे कि कितना MgSO4 है, क्यों, क्योंकि MgSO4 तो हमेशा 4-4 घंटे में दिया जाता है, और अगर हर 4 घंटे में हम ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते, इसलिए हम किससे पता लगाएंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी हुई या नहीं हुई, हमारे सिम्टम से पता लगाएंगे। रेस्पिरेटरी रेट चेक की, नी जर्क रिफ्लेक्स चेक किया, और तीसरा हम चेक करेंगे यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट जो होता है वो 30 ml से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 ml पर आर एक घंटे के अंदर 30 ml से कम आ रहा है तो भी हम MgSO4 नहीं देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बताना, इनमें से
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉक्सिसिटी साइन ऑफ द MgSO4। इनमें से कौन सा MgSO4 का टॉक्सिसिटी साइन नहीं है? ए रेस्पिरेटरी रेट, बी नी जर्क रिफ्लेक्स, तीसरा भी आपको यूरिन आउटपुट ही दे दिया। तीनों ही दे दिए आपने, तो तीनों पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कौन सा क्या नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, यूरिन आउटपुट जो होता है इसकी टॉक्सिसिटी के कारण डिक्रीज नहीं होता है। अगर ओलिगो यूरिया हो गया पेशेंट को, अगर 30 ml से कम आ रहा है तो ओलिगो यूरिया हो गया, ओलिगो यूरिया अगर मरीज को हो गया तो ये कारण नहीं है कि उसको टॉक्सिसिटी का क्या हो गया, यूरिन उसका मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो गया। फिर आप कहोगे सर जब उसका टॉक्सिसिटी नहीं होता, अगर मान लो MgSO4 जो है, मैं कह रहा हूं कि MgSO4 ओलिगो यूरिया कोज नहीं करवाता, MgSO4 के कारण कभी भी ओलिगो यूरिया नहीं होता, लेस देन 300 ml या 400 ml पर 24 hours में तो नहीं होता है। फिर आप कहोगे सर फिर हम चेक क्यों कर रहे हैं जब इसके कारण हो ही नहीं रहा, ये तो बेचारा इसका कारण ही नहीं है। दोस्तों इसलिए चेक करते हैं कि MgSO4 बॉडी से बाहर भी जाना चाहिए, आउट बॉडी से क्या होना चाहिए, आउट भी होना चाहिए, लेकिन ये आउट किसके थ्रू होगा, यूरिन के थ्रू होगा आउट। और जब यूरिन ही नहीं आ रहा तो MgSO4 ब्लड से बाहर नहीं जाएगा, और जब ब्लड से बाहर ही नहीं जाएगा तो फिर ये क्या कोज करवा सकता है, फिर ये टॉक्सिसिटी कोज करवा सकता है। ठीक है, इसलिए, लेकिन ओलिगो यूरिया इसकी टॉक्सिसिटी के कारण नहीं होता, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण क्या नहीं होता, ओलिगो यूरिया नहीं होता। ध्यान रखना ओलिगो यूरिया सिर्फ हम इसलिए चेक करते हैं कि यूरिन से MgSO4 क्या निकले, बॉडी से बाहर निकले, इसलिए चेक करवाते हैं। आपने कई बार सीटी स्कैन करवाया होगा डाई के साथ में, कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ में, उससे पहले भी आपसे KFT की रिपोर्ट मांगते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट की। क्यों मांगते हैं वो, ऐसे थोड़ी है कि वो किडनी पे इफेक्ट करती है, वो इसलिए मांगते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट डाई जो इंजेक्ट किए वो बॉडी से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, उसकी कोई टॉक्सिसिटी उसके कारण न हो। तो ध्यान रखना ओलिगो यूरिया, लिख लो एक लाइन में, ओलिगो यूरिया इज नॉट ए, यूरिया इज नॉट ए टॉक्सिसिटी साइन, टॉक्सिसिटी साइन ऑफ MgSO4, या फिर MgSO4 ओलिगो यूरिया इज नॉट ए सिम्टम ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, इसके बाद में और बता देता हूं MgSO4 के बारे में, थोड़ी सी चीज और बता देता हूं क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। इसके बाद ध्यान रखना कि MgSO4 के क्या 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 होते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। MgSO4 की टॉक्सिसिटी, MgSO4 की दोस्तों टॉक्सिसिटी हो गई तो पहला सिम्टम कौन सा आएगा? ठीक है, फर्स्ट सिम्टम है ये, ध्यान रखना, एबसेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहला कौन सा आता है, तो एबसेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स पहला। दूसरा आता है दोस्तों डाइफोरेसिस, दूसरा क्या आता है, डाइफोरेसिस आता है, डाइफोरेसिस क्या होता है, डाइफोरेसिस एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीने आना। थर्ड क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, थर्ड क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाएगी, 12 या 12 से कम क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट हो जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, टॉक्सिसिटी के साइन है, बिल्कुल सिक्वेंस में याद करने हैं ऐसे कैसे, कि पहला क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा, दूसरा डाइफोरेसिस होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये दोनों तो हमने पढ़े ही है, इसके अलावा डाइफोरेसिस भी होगा, लेकिन सिक्वेंस आपको जरूरी याद रखनी है। तो एड्रेनालिन को क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन को ADR बोलते हैं, नहीं बोलते, अगर हॉस्पिटल में काम किया है तो A फॉर एब्सेंस, D फॉर डायफोरेसिस और R फॉर रेस्पिरेटरी, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको ADR। ठीक है, इसके बाद में यह भी ध्यान रखना, इसकी जो डोज दी जाती है उसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया था, जिसको हम बोलते हैं पिच यार्ड रेजिमेन। ठीक है, इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी कि कितनी डोज देते हैं। अगर वो फिर कभी क्वेश्चन कभी भी MgSO4 आया तो बाकी की सारी डिटेल आपको मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, कितनी कितनी देते हैं उसके बारे में हम बाद में ही पढ़ेंगे, नहीं तो बस आपको ये याद रखना है, वो पूछ सकते हैं कि कौन सी ड्रग के अंदर पिच यार्ड रेजिमेन यूज करते हैं, तो आप याद रखना MgSO4 में यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्यादा ही डिटेल हो गई है। पहला दे रखा है इसमें कि एक क्लाइंट एडमिटेड विद प्रीएक्लेम्सिया, एक क्लाइंट है जिसको प्रीएक्लेम्सिया है और उसको हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था प्रीएक्लेम्सिया में भी देंगे, एक्लेम्सिया में भी देंगे, हेल्प सिंड्रोम में भी देते हैं। ठीक है, तीनों में देते हैं ये। विच असेसमेंट इंडिकेट दैट ए थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ मेडिकेशन हैज बीन रीच्ड। हमें देखो उसको मान लो, हमें कैसे पता लगेगा कि अभी तक क्लाइंट का थेरेप्यूटिक लेवल ही है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया, उसने उल्टा बनाया है। हमें कैसे पता लगेगा कि थेरेप्यूटिक लेवल है, थेरेप्यूटिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लेवल, हमें नॉर्मल चीज ढूंढनी है। कितना लेवल होता है, 4-7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल होगा तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी टॉक्सिसिटी का साइन नहीं आएगा, साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी का साइन नहीं आना चाहिए इस ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि विच असेसमेंट इंडिकेट दैट थेरेप्यूटिक लेवल, मतलब नॉर्मल बताना है हमें, थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ द मेडिकेशन हैज बीन रीच्ड, कि हमने ड्रग दिया और उसका थेरेप्यूटिक लेवल पहुंच चुका है।
पहला कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12, मैंने आपको पहले ही बताया अगर रेस्पिरेटरी रेट 12 या उससे कम है तो ये क्या चीज कोज करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या होता है, टॉक्सिसिटी का साइन होता है। इसका मतलब तो क्या है, ये टॉक्सिसिटी का लेवल है, ये किसका लेवल है, ये टॉक्सिसिटी का, जबकि हमें पूछ कौन सा रहा है, ये थेरेप्यूटिक लेवल। दूसरा कह रहा है इंक्रीज फीटल एक्टिविटी, इंक्रीज फीटल एक्टिविटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमें थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में नहीं बताएगा, हमें ये टॉक्सिसिटी के बारे में भी नहीं बताएगा, लेकिन साथ में हमें थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में भी नहीं बता रहा, लेकिन हमें जानना किसके बारे में है, थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में जानना है। इंक्रीज फीटल एक्टिविटी हमें न तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, टॉक्सिसिटी के बारे में भी नहीं बताएगा, और न ही ये हमें थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में बताएगा, नहीं ये हमें थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। भाई यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया तो पक्का अब हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि यूरिन आउटपुट अगर डिक्रीज हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हमें क्या बताता है कि थेरेप्यूटिक लेवल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरिन आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, और हमने पढ़ा है कि हमें तीनों चीजें चेक करनी पड़ती हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ प्लस टू, बिल्कुल सही आंसर है, मैंने आपको बताया था कि डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है इसमें ओलिगो यूरिया नहीं होना चाहिए, देखो ओलिगो यूरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दे रखा है कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन बाहर नहीं निकला तो एमजीएसओ4 का लेवल बढ़ जाएगा, और लेवल कितना बढ़ जाएगा, थेरेप्यूटिक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिन आउटपुट नहीं हुआ। मैंने बताया कि ओलिगो यूरिया साइन नहीं है टॉक्सिसिटी का, लेकिन ओलिगो यूरिया अगर हो गया तो एमजीएसओ4 का लेवल जरूर किस पे पहुंच जाएगा, थेरेप्यूटिक लेवल से ज्यादा पहुंच जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि थेरेप्यूटिक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अगर यूरिन आउटपुट क्या हुआ, कम हुआ, तो एमजीएसओ4 ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, और एमजीएसओ4 ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा तब क्या होगा दोस्तों, उसका लेवल बढ़ जाएगा, उसके कारण फिर सिम्टम जो आएंगे ना वो रेस्पिरेटरी पर इन पे बढ़ेंगे। ठीक है, एमजीएसओ4 कभी भी खुद ओलिगो यूरिया नहीं करवाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन ओलिगो यूरिया के कारण क्या हो सकता है, थेरेप्यूटिक लेवल क्या हो सकता है, नहीं रह सकता, और टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो आ सकता है। नेक्स्ट डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ प्लस टू, मैंने आपको कहा था कि प्लस टू जो लेवल है वो बिल्कुल क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन अगर प्लस थ्री या प्लस फोर हो तो वो क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ प्लस टू हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि नॉर्मल लेवल कौन सा है, तो थेरेप्यूटिक लेवल हम हमेशा चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ये भी हमें एबनॉर्मल मिला, ये भी हमें एबनॉर्मल मिला, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है टॉक्सिसिटी से, थेरेप्यूटिक लेवल से, लेकिन ये हमें नॉर्मल मिल गया, इसका मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल है। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता, ये तो सबसे पहले चेंज होता, अगर MGSO4 की टॉक्सिसिटी होती तो सबसे पहले कौन सा चेंज होता, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेंज होता, लेकिन हमें पता लग गया कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल है, और पहला अगर सिम्टम आता टॉक्सिसिटी का तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है, ये नॉर्मल है, इसका मतलब MGSO4 का लेवल क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जाएगा आंसर डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ प्लस टू। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन से सिम्टम से हमें पता लग रहा है कि MGSO4 का लेवल जो है वो नॉर्मल है, ब्लड के अंदर टॉक्सिक लेवल नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आपको ये 10 क्वेश्चन करने से सिर्फ 10 क्वेश्चन की नॉलेज होगी, आपको कम से कम भी 50 क्वेश्चन की नॉलेज होगी मिनिमम। वोट